हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट लिस्ट ऑफ एनेथमी बीजी चौरासिया से हम लोअर लोअरलिम एनेटमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज करने लगे हैं पटेला इसको पटेला भी कहते हैं और टेला भी कहते हैं बहुत से लोग इसको टेला ये वाला रीजन इसका काइंड ऑफ साइलेंट कर देते हैं पटेला कहें टेला कहें वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट बट दैट इन लैटिन बेसिकली मीन्स अ वेरी स्मॉल प्लेट सो छोटी सी बोन है एंड ये छोटी सी बोन एक्चुअली सीजमोइट बोन की कैटेगरी में लार्जेस्ट सीजमोइट बोन है एंड इट डेवलप्स इन वन ऑफ द टेंडन

Oh. Uh. सामने से एंटीरियर सरफेस से यू कैन फील अ बोन हेयर दैट लिटिल बोन जो कि आपके इस मसल के टेंडन के अंदर डेवलप होती है दैट लिटिल बोन इज नोन एज टेला सो ये तो इसकी हो गई लोकेशन एनाथमिकल लोकेशन एंटीरियरली आपको मिलती है ओवर योर नी कैप राइट अब इसके कुछ फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो जब हम बोन्स की बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट बिकम्स द साइड डिटर्मिनेशन के बोन आपके हाथ में मैं दे दूं आप कैसे पहचानेंगे ये राइट right साइड की बोन है या लेफ्ट साइड की बोन है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता ये है कि ये जो पटेला है या टेला है दिस इज अ ट्रायंगुलर बोन तो सबसे पहली बात तो ये अच्छी है जब आपके हाथ में बोन आए ना तो सबसे पहले उसको आपने सही तरीके से पकड़ना है सही तरीके से पकड़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की और पटेला को सही तरीके से पकड़ने का तरीका है कि इसका जो ट्रायंगुलर uh, ये नॉच है दिस वन सिंगल कोन ऑफ द ट्राइंगल दैट फेस इज डाउनवर्ड ये तो हो गई पहली चीज़ तो जरा सुने पटेला इज अच्छा मैं बार बार पटेला कह रहा हूँ अक्सर लोग मुझे कहेंगे सर इसको टेला कहिए प्लीज बट यार चलो ऐसे ही फन से ही पटेला ही कहते हैं पटेला इज ट्राइंगुलर इन शेप

ट तो कर हो, तो करते हैं सामने से जो सरफेस है पटेला की दैट इज रफ एंड नॉन आर्टिकुलर द अपर थ्री फोर्स ऑफ द पोस्टीयर सरफेस आर स्मूथ एंड आर्टिकुलर सो ये आपको बता रहे हैं कि एंटीरियर सरफेस पे कोई आर्टिकुलेशन नहीं है पीछे कुछ आर्टिकुलेशन है द पोस्टीर आर्टिकुलर सरफेस इज डिवाइडेड बाय अ वर्टिकल रेज इनटू अ लार्जर लेटरल एरिया एंड अ स्मॉलर मीडल एरिया एंड द बोन व्हेन ये मैं भी बताता हूं द बोन व्हेन लेड ऑन द टेबल रेस्ट ऑन द ब्रॉड लेटरल एरिया अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइड डिटरमिनेशन में ना की है मैंने आपके हाथ में एक बोन दे दी और ये ट्राइंगुलर छोटी सी बोन है तो आप देख के पहचान गए कि ये पटेला है लेकिन अब एग्जामिनर बोल रहा है ये राइट साइड की है लेफ्ट साइड की है? ये बताओ अब पहली चीज तो ये है कि जो उसकी अपेक्स होगी ना उसकी इस तरह की जो अपेक्स होगी सो तो ये अपेक्स आपने डाउनवोड पकड़नी है फिर जरा इस बोन को आप एक टेबल पर रख दें तो वो पोर्शन जो टेबल के साथ टच करेगा दैट पोर्शन विल बी द लेटरल पोर्शन नाउ यू हैव टू वेरी इंपॉर्टेंट पीसिस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको पता है कि इसका लोअर पार्ट कौन सा है बोन का और आपको पता है इस बोन का लेटरल पार्ट कौन सा है सो अगर मैं बोन को आप अपने हाथ पकड़ता हूँ मुझे पता चल रहा है कौन सा है, पार्ट मुझे पता चल चल रहा रहा है 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 है। कौन कौन सा, सा, मुझे so कि ये लेफ्ट की है ये राइट की पटेला 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 या को अगर आप टेबल पर रखोगे तो जो पोस्टीरियर एंटीरियर सर्फेस तो आपको पता ही चल जाएगी बिल्कुल क्लियर uh, होगी पोस्टीरियर सर्फेसिस पे ये आर्टिकुलर मार्क्स और रेजेज आपको फील uh, भी हो जाते हैं और जब आप इसको रखेंगे टेबल के ऊपर तो पोस्टीरियर पार्ट जो है उसका लेटरल सरफेस टेबल पर टच करेगा बाकी बोन उठी हुई होगी सो दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई इफ इट्स द राइट साइड पटेला और लेफ्ट साइड पटेला एंड बाय द वे लेट मी टेल यू अनाथमी के एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइड डिटर्मिनेशन एग्जामिनर्स बहुत पूछते हैं ठीक है थीके? अब इसके कुछ फीचर्स हैं uh, अभी तक आपको इतना पता चल गया कि पटेला में देर इज ए नेपेक्स विच इज़ फेसिंग डाउनवर्ड आर थ्री बॉर्डर्स ओके और वो बॉर्डर्स कौन कौन से देर इज अ सुपीरियर बॉर्डर देर इज अ लेटरल बॉर्डर एंड देर इज अ मीडियल बॉर्डर ये तीन इसके बॉर्डर्स हैं और दो सर्फेसिस हैं एक वो सर्फेस जो सामने की तरफ है दी एंटीरियर सर्फेस और एक वो सर्फेस जो पीछे की तरफ होगी दैट इज द पोस्टीरियर सर्फेस राइट ये सिंपल सी बात है इसमें कोई भी मुश्किल चीज नहीं है एपेक्स आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स इट इज रफ एंड वर्टिकली रिज्ड It is covered by an expansion of the tendon of the rectus femoris because it is in the tendon and it is separated from the skin by a pre patellar bursa yani, uh, patella or anterior side which is skin hoge, uske mein ek bursa hoega. this is called pre patellar bursa patella se pehle hai na. the posterior surface is articular in its upper three-fourth and non-articular in the lower so if you diagram this diagram this is the posterior surface the lower part hai, that is usually non-articular or the upper part hai, that is articular right the

with a reciprocal strap on the medial side of the intercondylar notch of the femur during full flexion. तो अब इसमें फिर आपको ये बात याद रखनी है कि जो medial side की ये छोटी सी strap है, जब full flexion होगी, यानी जब आप पूरा अपना leg ऊपर ऐसे thigh के posterior surface से मिलाएंगे, तब जाके ये portion जो है, it is going to um, articulate with some parts of the femur. Right, the rest of the medial portion and the lateral portion of the articular surface are divided by two transverse lines. So these are the transverse line, one transfer line and the other transverse line. Now, a total one, two, three, four further articular areas. So um, transverse line into three pairs of facets. So one pair of facet, dusra pair of facet, or tisra pair of facet. These facets. Are now these facets, um, uh, you know, they articulate with different parts. During different phases of knee movement. So, during different phases of movement of the knee, different portions of patella articulate with the femur. The lower pair articulate, articular facet articulates during extension. So, this lower part hai patella. Ka. Imagine you are looking at the posterior part. So, when you extend your leg, this is what articulates with femur. The middle pair. ड्यूरिंग बिगनिंग ऑफ द फ्लैक्जन एंड द अपर पेयर ड्यूरिंग मिड फ्लैक्जन एंड द मीडियल स्ट्रिप ड्यूरिंग फुल फ्लैक्जन ऑफ द नी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एग्जामिनर उसको बड़ा मज़ा आता है भाई ये बात करने में देखो मैं फिर बताता हूँ पटेला के एक सुपेरियर बॉर्डर है मीडियल और लेटरल बॉर्डर्स हैं एंड देन देर इज एन नई पैक्स और सर्फेस इसकी आगे इंटीरियर सर्फेस है पीछे पोस्टीरियर सर्फेस है इंटीरियर स्मूथ ठीक ठाक कोई मसला नहीं पोस्टीरियर सर्फेस में अ, अगर आप इसको टेबल पर रख देंगे सो देर इज अ पोर्शन विच विल बी लाइंग ऑन द टेबल एंड दैट द लेटरल पार्ट एंड यू सी द रिज हेर द रिज डिडेड इन टू द लार्जर लेटरल एरिया एंड द स्मॉलर मीडियल एरिया ठीक है और बिल्कुल जो मीडियल मोस्ट एरिया है ना वो फुल फ्लैक्जन जब नी की होगी तब फीमर के साथ आर्टिकुलेट करेगा बाकी का जो आर्टिकुलर एरिया है दो स्ट्रेप्स दो लाइंस आपको नजर आ रही हैं। इससे तीन पेयर बने हैं, यानी छह आर्टिकुलर फैसेट एक आर्टिकुलर फैसेट दूसरा आर्टिकुलर फैसेट, तीसरा आर्टिकुलर फैसेट जो लोएस्ट आर्टिकुलर फैसेट है ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द दे दिठेला दैट

अटैचमेंट्स यूँ कहो कि आसपास से गुजर रहे हैं तो कुछ फाइबर लगे हुए होते हैं क्योंकि ये बेसिकली सिजमोइड बोन है सो इट विद इन द मसुलर ना, तो इजी है याद रखना लेटरलिस हैं मीडियल मीडिया के फाइबर्स हैं है, और अपर बॉर्डर पे रेक्टस फीमोरस एंड ये ईजी स्टफ है इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है राइट अटैचमेंट्सर बॉडर और द बेस प्रोवाइड known द वे base, it इज insertion नोन बेस इट and vastus.

ऑसिफिकेशन फ्राम मल्टीपल सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन ड्यूरिंग थ्री टू सिक्स ईयरस ऑफ एज ओके और प्यूबर्टी बेस की फ्यूजन कंप्लीट हो जाती है सारे ऑसिफिकेशन सेंटर्स की वन और टू सेंटर एंगल ऑफ द पटेला में फॉर्म अ सेपरेट पीस ऑफ बोन सच ए पटेला इज नोन एज बायपाइट और ट्राई पार्टाइट पठेला द कंडीशन इज बायटरल एंड सीमेट्रिकल ईजी स्टफ है समटाइम्स ऐसे होता है कि फ्यूजन कंप्लीट नहीं होती एंड यू गेट लाइक टू डिफरेंट पीसेज तो पटेला ही के अंदर दो अलग अलग बोनस है दिस इज बाय इसको अक्सर लोग ना फ्रैक्चर समझते हैं यू नीड टू बी एबल टू मेक डिस्टिंगशन बिटवीन फ्रैक्चर एंड बायपराटाइट पटेला ऑब्वियसली क्लिनिकल साइंस होंगी ना पेन होगा स्वेलिंग होगी कोई हिस्ट्री होगी ट्रामा की सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस बिकॉज फ्रैक्चर ऑफ पठेला इज नॉट अनकॉमन स्पोर्ट्स इंजरी में

vastus lateralis and these muscles prevent this dislocation there are facial factor medial and lateral patellar retinaculae are extensions of vastus medialis and lateralis they also strengthen the structure at the knee joint okay quadriceps femoris muscle is inserted into patella from where the ligamentum telli ligamentum patelli ligamentum telli hai, arises which ends in the tibial tuberosity so patella ke um, niche ye jo tendon nikal raha hai. दिस इज नॉट द राइट व्यू राइट व्यू ये है पटीला की नीचे से यह लिगामेंडम टेली निकलता है जो उसको टीबिया के साथ ज्वाइन करता है सो दैट्स हाउ दिस इज अ बोन ओवर योर नी ज्वाइंट डांसिंग ओवर दी नी ज्वाइंट एंड सपोर्टेड बाई अ लॉट ऑफ फेसियल स्ट्रक्चर्स अ लॉट ऑफ मस्कुलर स्ट्रक्चर एंड अ लॉट ऑफ बोनी एंगुलेशन और यहाँ मैंने आपको एक बर्सा बताया था प्री पटेलर बर्सा दैट कैन गेट इन फ्लेम एंड दिस इज वॉट वी कॉल बरसाइटस ऑफ द प्री पटेलर बर्सा एंड दैट इज ऑल्सो नॉट अनकमन राइट सो पटेला इज अ वेरी लिटल बट वेरी इम्पॉर्टेंट बोन एग्जामिनर्स इस पर बहुत मजा लेते हैं साइड डिटर्मिनेशन के वक्त और ये वाली जो डाइग्राम है दैट इज अपर इम्पॉर्टेंट डाइग्राम इफ यू आर स्टडिंग पठेला ओके सो टेक केयर ऑफ योर आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में बहुत जल्द अपना ख्याल रखिएगा